तो हमारा टॉपिक है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ये रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज क्या होता है, एक सर्वर है और यहाँ पर हम टर्मिनल कैल्स वाइज करते हैं क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन मल्टीपल क्लाइंट मशीन में चलाना है तो आपको हर एक इंडिविजुअल पीसी में आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक टर्मिनल लाइसेंस लेकर कैल्स लेते हैं कितने यूजर के लिए, कैल्स मतलब क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस, तो कितने पीसी के लिए कितने यूजर के लिए आप लेना चाहते हो वो कैल्स आप बाई कर सकते हो, तो बहुत चीप एंड बेस्ट रहेगा। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, ये क्लाइंट मशीन मान लो सभी में हमें 1000 पीसी हमारे पास है, 100 पीसी मान लो एग्जांपल, 100 पीसी में हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करनी चलानी है, तो उसका अगर लाइसेंस लेंगे तो 13,000 रुपीज समथिंग एक यूजर का लाइसेंस आएगा, और पूरा अगर देखेंगे तो 13 लाख रुपीज हो गया, 10 लाख एबव हो गया। बट एक टर्मिनल लाइसेंस अगर आप यहाँ खरीदते हो तो वो 2 लाख के अंदर में पड़ जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीप है। दूसरा चीज क्या है, अगर क्लाइंट मशीन आपका लो कॉन्फ़िगरेशन भी है तब भी ये एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रहे, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगा वो इस टर्मिनल लाइसेंस में सर्वर में ही रहेगा, उसको हम रिमोटली एक्सेस कर रहे होंगे यहाँ पे हर कंप्यूटर में यूजर के द्वारा, ठीक है। तो इस सीनारियो को पूरा स्टेप बाई स्टेप हम लोग लैब करके देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्या करना रहेगा आपको इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। आपको क्या करना है, एडी इंस्टॉल करना रहेगा, एडीडीएस एक्टिविटी इंस्टॉल करके उसको प्रमोट करना रहेगा डोमेन कंट्रोलर में, एडीडीएस हो गया, डीएनएस रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और क्या आरडीएस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आरडीएस हम इंस्टॉल करेंगे दो रहेगा, एक रोल बेस करना रहेगा, उसके बाद एक बार रिमोट बेस करेंगे, उसके बाद वेब सर्विसेज हमें क्या करना रहेगा, पब्लिश करना रहेगा, जो भी सॉफ्टवेयर आपको इधर डिप्लॉय करना है क्लाइंट पीसी को उसको पब्लिश करना रहेगा हमें इसमें। और आरडीएस में क्या होता है, जब हम इसको कॉन्फिगर करते हैं उस समय लाइसेंसिंग के लिए पूछता है, तो अगर टर्मिनल लाइसेंस है तो उसमें लाइसेंस डालेंगे कितने यूजर के लिए और कितने टाइम के लिए। और यहाँ पे हमारे केस में क्या रहेगा, हम ट्रायल लाइसेंस अप्लाई करेंगे लाइसेंस को, तो 120 डेज का या 60 डेज का लाइसेंस हमें मिल जाएगा। तो स्टेप हम लोग वन बाय वन करेंगे। एक हमारा सर्वर रहेगा, सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस आरडीएस इंस्टॉल करेंगे, आरडीएस को 2 बार इंस्टॉल करना, एक बार रिमोट बेस एक बार रोल बेस करेंगे, उसके बाद की कॉन्फ़िगरेशन वहाँ के करेंगे। और इसके बाद जो यूजर यहाँ लॉग इन करना है ना, जो क्लाइंट पीसी पे, उस यूजर को हमें क्रिएट करना रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट करेंगे और उसको एक बाय डिफॉल्ट ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का नाम है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज करके ग्रुप है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज करके ग्रुप है, उसमें इस यूजर को, जितने भी यूजर को आप यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, डिप्लॉय करना चाहते हैं, उस उन सभी यूजर को इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करना रहेगा। ये ग्रुप आपको जो एक्टिव डायरेक्टरी के कंटेनर है उसमें आपको देखने को मिलेगा, बिल्ट इन में आपको देखने को मिलेगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, तो उसमें हमें ऐड करना रहेगा, राइट। तो ये सारे स्टफ हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सर्वर है और आई होप आज ये काम करेगा। और एक बात बताऊं, मैं इसमें एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल और प्रमोट कर लिया ताकि बहुत ज़्यादा ये सेशन में टाइम ना आपका उग जाए, ठीक है। तो देखिए एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन हमारा है ishan.com, तो इसी बेस पे हम लोग काम करने वाले हैं। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है और इसको आपको एक बार इंस्टॉल होता है रीस्टार्ट करना रहेगा, तो एक बार हम रीस्टार्ट करते हैं। देखिए पेंडिंग इन्फॉर्मेशन में दिखा भी रहा होगा, यस वी नीड टू रीस्टार्ट रीबूट, तो इसको हम रीबूट कर लेते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम लोग मतलब आगे बढ़ रहे हैं ना, क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, अगर आप कुछ साल पहले देखोगे कि एक आईटी एनवायरनमेंट में कैसे काम हो रहा था, और डे बाई डे आप जैसे देख रहे हैं वैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन कई सारा है, क्या एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट हो रहा है क्या, हाँ जरूर हो रहा है, क्योंकि जैसे हम क्लाउड की बात करेंगे, अगर क्लाउड और डेटा सेंटर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज तो होगी, कमी ही होगी, रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो क्या रहेगा, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, आपको मेहनत करना ज़्यादा, और स्पेसिफिक जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर उसका स्किल आपको बूस्ट करना रहेगा, अच्छी स्किल बनानी रहेगी, तभी आप सेटल हो पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने रोल बेस इसको इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एक बार रोल बेस इंस्टॉल करना रहेगा,
सॉरी रिमोट बेस। तो जस्ट हम जाएंगे मैनेज पर, एड रोल्स एंड फीचर्स, और यहाँ पर हमें क्लिक करना रहेगा रिमोट बेस इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे क्विक स्टार्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड करेंगे ये टाइम लगेगा, तो क्विक करेंगे जल्दी हो जाएगा। ये सेशन बेस है ना, वर्चुअल बेस नहीं सेशन। और ये लाइसेंसिंग, यहाँ से देखिए लाइसेंसिंग यहाँ से आपको दिखाएगा 120 डेज का लाइसेंसिंग। पूरा लैब है, आपको एक बार जो भी बाद में देख रहा है, बाद में जुड़ रहे हैं, बाद में जब आप देखेंगे इसको एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, लैब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये सेम सिनेरियो MCSS 7.0 में तो आने वाले टाइम में रहेगा, तो जब भी हम करेंगे क्लास उसमें आप देख पाएंगे। तो देखिए ये सारे जो इसके ऐप है इंस्टॉल हो गया। अब हमें कहाँ करना है, क्या करना है, यहाँ देखिए रिमोट इसमें जाएंगे, और ये है हमारा क्विक सेशन जो था, और ये पब्लिश है ऑलरेडी देखिए। अब अगर चाहते हो आप कि इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन, इसको पहले मैं अनपब्लिश कर लेता हूँ। अब जो भी एप्लीकेशन आप क्लाइंट को डिप्लॉय करना चाहते हो, क्लाइंट को आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, उस एप्लीकेशन को यहाँ से ऐड करना रहेगा। वो एप्लीकेशन आपके इस सर्वर में इंस्टॉल होना चाहिए। सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको आप चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे क्लाइंट पीसी में यूजर जो भी लॉग इन करें हम उसमें एक्सेस मिले उसको, तो उसको आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। अनपब्लिश हो चुका है, ठीक है देखिए। तो फिलहाल अभी अगर हम पब्लिश करके यहाँ देखेंगे, ऐड पब्लिश, यहाँ देखिए लिस्ट आ जाएगा जो जो इस सर्वर के अंदर इंस्टॉल है वो सभी का लिस्ट आ जाएगा। तो फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो नहीं रहेगा इसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इंस्टॉल नहीं है इस सर्वर में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर इमेज मिल जाए हमें, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे पब्लिश में जाएंगे, और इसी में से कुछ एप्लीकेशन हम पब्लिश कर लेते हैं जो बाय डिफॉल्ट सर्वर के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है, और क्लाइंट में देखने मिलेगा। तो जो भी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करना चाहते हो, क्लाइंट को एक्सेस देना चाह रहे हो, वो एप्लीकेशन यहाँ पे पब्लिश होना चाहिए, मतलब आपके इस सर्वर में इंस्टॉल होना चाहिए। देखो ये आ गए रेडी। अब क्या करना है हमें, अब ये करना है कि अब इसमें यूजर बनाने हैं हमें, ठीक है, जिस यूजर को हमें लॉग इन करना रहेगा क्लाइंट में, जिस पे हमें इस एप्लीकेशन को यूज करना रहेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से यूजर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और यहाँ पर एक OU बनाते हैं, ये हमारा डोमेन है। तो यूजर बना दिया, अब ये यूजर जो है ना इसको एक ग्रुप में ऐड करना है, उस ग्रुप का नाम है रिमोट डेस्कटॉप। तो ऐड अ ग्रुप, अब ग्रुप का नाम क्या है रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप यूजर, यहाँ चेक करके देख सकते हैं, यस है, यस एडेड। अब ये ग्रुप है कहाँ मालूम है, ये बिल्ट इन में मिलेगा आपको, बिल्ट इन में जाओ और रिमोट डेस्कटॉप यूजर ग्रुप आप सर्च करो, रिमोट डेस्कटॉप यूजर, रिमोट डेस्कटॉप यूजर, इट इज रिमोट डेस्कटॉप यूजर, जस्ट डबल क्लिक करो और यहाँ मेंबर में जाके देख सकते हैं ये यूजर हमने। तो ये सारे स्टफ हमने कर लिए हैं, है ना, ये रेडी है। एक काम और करना है हमें, थोड़ा सा एक ऑप्शन इनेबल करना रहेगा ग्रुप पॉलिसी में। तो बाय डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी इंस्टॉल रहता है, जस्ट मैं ओपन कर लूंगा टूल्स में जाके ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। अभी ग्रुप पॉलिसी आपका हुआ नहीं है तो टेंशन मत लेना बिल्कुल। और यहाँ से ये क्या मैं कर रहा हूँ इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, लोकल पॉलिसी यूजर राइट असाइनमेंट, और यहाँ पे हमें देना है अलाउ लोकल, यहाँ जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, ऐड यूजर आर ग्रुप। सो हमारा ग्रुप जो है उसको ऐड करना है, वो ग्रुप का नाम क्या है रिमोट। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इस पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करनी फिलहाल, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं एक कमांड दे दूंगा यहाँ पे दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ आवर RDS रेडी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज रेडी है। अब हमारा टाइम आ गया है क्लाइंट मशीन में एक्सेस कराने को। तो सबसे पहला काम क्या है, एक क्लाइंट मशीन को ही ले लेते हैं टेस्ट के लिए, इस मशीन को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो ज्वाइन करने के लिए क्रेडेंशियल देख लेते हैं,
तो इसमें क्या डिसाइड करते हैं? इट इज 5 नॉट 2, यस पिंग हो रहा है, सेल्फ पिंग हो रहा है, सर्वर को पिंग करके देख लेते हैं। 1, इट इज आल्सो पिंगिंग, ठीक है। सर्वर से क्लाइंट को देख लेते हैं, ओके। और अब हम इसके अंदर यूजर जो बना रखा हमने, जो ग्रुप पॉलिसी जिस पे इंप्लीमेंट किया है, उसको उस यूजर को हमें लॉगिन करना है यहाँ पे। तो यूजर 1 एंड यूजर 2 को लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि वो एप्लीकेशन जो हमने रिमोट डेस्कटॉप में पब्लिश किया वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं। अब क्वेश्चन है हाउ टू एक्सेस सर्वर फ्रॉम रिमोट क्लाइंट। ओके, ये रिमोट क्लाइंट हो गया, इससे यहाँ बैठ के सर्वर को कैसे हम एक्सेस करके एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो देयर आर टू वे, दो तरीके हमारे एक्सेस करने के लिए। एक तो हम डायरेक्ट रिमोट डेस्कटॉप आरडीपी की तरफ करेंगे और एक जो होता है वेब एक्सेस के द्वारा, ठीक है। अभी हो गया, अब यहाँ पे एक्सेस करके देखेंगे हम क्या करेंगे। रन में जाएंगे और टाइप करेंगे MSTSC। तो जितने भी क्लाइंट बिजी रहेंगे सभी में ये कमांड आपको देना रहेगा MSTSC, और यहाँ पे दे दोगे आप सर्वर का आईपी। सर्वर आ गया, तो ये सर्वर यहाँ भी चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, देखिए। और ये सर्वर यहाँ आ गया, और कोई कोई क्लाइंट भी सी है तो वहाँ भी, जितने क्लाइंट भी सी रहेगा सब जगह चले गए। अब यहाँ पे जो भी आपने पब्लिश कर रखा है, ऐसा नहीं कि ये सर्वर में जो कुछ है सब कुछ आप यहाँ चला लोगे, नहीं, जो हमने पब्लिश कर रखा है यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप वेब ऐप में, वो चीजें वो एप्लीकेशन यहाँ पे चलेगा। ये तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको सीधा सीधा कि कौन कौन से एप्लीकेशन हमने पब्लिश कर रखा है रिमोट डेस्कटॉप में, है ना, इंटरेस्टिंग। अब ये इसमें क्या है, इस केस में हमारा क्लाइंट पीसी कितना भी लो कॉन्फ़िगरेशन करके होना, बट यू कैन यूज सर्विसेज। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो अभी मैं बताना भूल गया हूँ, आपको दिखाई देता हूँ मैं। देखो यहाँ से मैं बनाऊंगा कुछ, एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कोई जो एप्लीकेशन है इसको अगर कुछ हम काम करते हैं और फाइल सेव करते हैं तो फाइल डायरेक्ट वो सेंट्रलाइज सर्वर को रिमोट डेस्कटॉप सर्वर में जाके स्टोर होगा। तो वेब पोर्टल में एक्सेस करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, देखो यहाँ से आपको दिखाया ना कि वो चीज़ें यहाँ आ जाएगा सारे पब्लिश। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, फाइल ओपन होता तो मैं स्टोर करके दिखा देता, वो चीज़ हो नहीं रहा है। इस डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है, यहाँ देखो अब समझ में आएगा आपको। इस डेस्कटॉप को मैंने यहाँ पे मैंने सर्वर को रिमूव लिया था, इस डेस्कटॉप पे कुछ नहीं है, और सर्वर पे जाके देखेंगे इसके डेस्कटॉप पे ना सेंट्रलाइज डेटाबेस स्टोर होना चाहिए। चलो अभी देखते हैं कौन सा यूजर लॉग इन, यूजर वन है ना। ओके, सो ये जो है हमने सेव किया यहाँ पे, अब इसको मैं डिसकनेक्ट करता हूँ, इस यूजर को मैं डिसकनेक्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ से रिमोट को डिसकनेक्ट कर दिया। अब जाके सर्वर में अगर हम देखेंगे ना, सर्वर के अंदर कहाँ देखेंगे, सी ड्राइव में, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में नहीं, सी ड्राइव में यूजर में एक प्रोफाइल बना होगा क्या, यूजर वन, और इसके डेस्कटॉप पे जाकर देखेंगे तो यहाँ रहा है बैकअप फाइल 1 एंड फाइल 2। मतलब ये सेंट्रलाइज जो भी हम यूजर 1 पे काम करेंगे वो सब सर्वर पे स्टोर हो रहा होगा। देखो यहाँ क्लाइंट पीसी पे कुछ भी नहीं, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था ना, वो डेस्कटॉप कहाँ आया, इसके डेस्कटॉप।